जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। देखिए, जिस भर्ती का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो भर्ती आ चुकी है। आपके जो रेलवे आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है, कांस्टेबल और आपके सब इंस्पेक्टर दोनों। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसियां कम है, लेकिन जैसा ये वक्त है यदि वक्त के हिसाब से आपने तैयारी करी तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें देखिए, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों की वैकेंसियां हैं और दोनों में जो मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष है। इसमें जो 3 साल की छूट दी गई है कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, क्योंकि वैकेंसियां काफ़ी दिन से नहीं आई हैं। देखिए, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम वैकेंसी आएंगी। पहले कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि 20 और 21,000 के बीच वैकेंसी आएंगी कांस्टेबल की, ठीक है, लेकिन ये पूरी 5,000 भी नहीं आई। देखो, जो भी है, जितनी भी वैकेंसियां हैं, अपनी तैयारी में जुट जाइए। और देखिए, ये कांस्टेबल वाला जो पेपर है, यूपी कांस्टेबल वाला, ये तो अब देखिए जुलाई अगस्त के लिए जा चुका है। इसका एग्जाम भी देखिए कितना समय लगता है, अभी 1 महीने तो इसके जो आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। अच्छा, एक बात मैं बताऊंगा आपको, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो इसके फॉर्म डालना चाह रहे हों, ठीक है, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले हमारे लिए नौकरी ज़रूरी है भाई। तो ये जो मेरे साथी हैं वो कोशिश करें कि साउथ जोन जो डालने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, साउथ में जितने भी जोन हैं। सबसे पहले देखिए ऐसा दोस्त, ट्रांसफ़र तो बाद में हो जाता है, 5-10 साल बाद हो जाता है अपनी साइड में, ठीक है। सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि कोई भी आपको एक नौकरी मिले, चाहे सब इंस्पेक्टर है चाहे कांस्टेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप साउथ साइड में जो प्रेफरेंस दें जोन को, क्योंकि देखिए पिछली बार ना भाई 67-68 पे जो हो गया था, 67-68 पे अपनी साउथ की साइड में। और आप नॉर्थ को पता होगा आपको, नॉर्थ में देखिए आपके जोन डी की ही बात करें, एनसीआर वाले की, इसमें भाई देखिए 119 में गई थी 120 में से मेरिट, ठीक है, जो मैं भी इसी का हिस्सा था जोन डी का, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप जो साउथ के जोनों में तो जो ज़्यादा अहमियत दें, क्योंकि आपको सिलेक्शन पहली जो चॉइस होनी चाहिए, ठीक है, ना कि आपकी जो जगह है, ठीक है। ये तो हो जाता है भाई, मेरे गांव का एक है ग्रुप डी में, वो आपकी लगभग 5-6 साल बाद ट्रांसफ़र करवा लाया अपना इधर ही, ठीक है, इलाहाबाद साइड में। तो ऐसा नहीं बाद में हो जाता है, 5-6 साल बाद आपके जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो जल्दी हो जाते हैं, 2 साल बाद ही हो जाते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र, यदि इधर से उधर जाना चाहे और उधर का इधर आना चाहिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र बोलते हैं उसे, ठीक है, वो तो जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले कोशिश करिए पहले कि आपको रोज़गार मिले, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप साउथ वाले जो जोन हैं उनको ज़्यादा जो प्रेफरेंस दीजिए, उनको जो पहली अहमियत दीजिए, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी है। मैंने एक भर्ती देखी आरपीएफ की, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसे देखने के बाद पता चलता है कि यदि बच्चा साउथ जोन, साउथ की साइड में जो जोन है जितने भी, इन्हें डाले तो आराम से सिलेक्शन ले सकता है। जिसने नई भी तैयारी स्टार्ट करी है ना, जिसने अभी तैयारी स्टार्ट ही की है, वो भी सिलेक्शन ले सकता है। तो पहली जो अहमियत है, आप जो पहले सर्विस को दीजिए कि पहले हमें नौकरी मिल जाए, उसके बाद ये जगह तो बदलती जदलती रहती है, ठीक है। ये भाई, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।